अगर आप स्वयं ये देखना चाहते हैं तो देख लीजिए हमारे सीनियर आरटीआई एक्टिविस्ट सत्यपाल सिंह की एक पड़ताल। हाँ दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं सत्यपाल। एक ऐसी सच्चाई प्रोडक्ट को लेकर मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ और मेरा आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है मेरा आपसे कि आप इनके जवाब इस लीडरशिप से जरूर पूछेगा और मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब सही रूप में कोई दे पाएगा, क्योंकि मैं जब भी बात करता हूँ सबूतों के साथ बात करता हूँ। एक बार फिर मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं उन सभी लीडर से निवेदन कर रहा हूं कि इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। आइए सबसे पहले हम आपका एक प्रोडक्ट लेते हैं। ये मेरे साथ में एक प्रोडक्ट है, ध्यान से देखिएगा, ये है राइस ब्रान ऑयल। ये तेल बहुत अच्छा है, खाने के लिए बहुत उत्तम है, मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करने वाला। मैं चर्चा ये करने वाला हूँ कि ये प्रोडक्ट वेस्टीज बेचती है और ये जो मेरे हाथ में ये प्रोडक्ट है ये 2 लीटर का है और इसकी जो कीमत है अगर आप इसमें पीछे देखेंगे तो ये MRP 460 रुपये का है। सही बात है, ये मैंने वेस्टीज के ही शॉप से ख़रीदा है। सही बात है ना, ये 2 लीटर 460 यानी 1 लीटर 230। दूसरी बात है, एक और प्रोडक्ट मैं उठा रहा हूँ, सेम राइस ब्रान ऑयल है और जो मैं पहले दिखा रहा था ये भी राइस ब्रान ऑयल था। अब फर्क क्या है कि इसकी जो कीमत है 2 लीटर है, इसकी जो कीमत है वह है 388 रुपये 2 लीटर है। ऐसा क्यों है, चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक और राइस ब्रान लेते हैं एक और कंपनी का, ये 1 लीटर है, राइस ब्रान ऑयल ही है, दूसरी कंपनी का है और इसकी कीमत है 165 रुपये MRP 1 लीटर 165 रुपये, तो 2 लीटर हो गई 330 रुपये। सही बात है ये। एक और कंपनी में लेता हूँ, राइस ब्रान ऑयल है, ये ले लेते हैं और इसका रेट है 145 रुपये 1 लीटर है, तो 2 लीटर की कीमत क्या हुई 290 रुपये। सर देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात के ऊपर, प्रोडक्ट एक ही है राइस ब्रान ऑयल, 1 लीटर की कीमत MRP 145 रुपये है और वेस्टीज के 2 लीटर की कीमत 460 रुपये यानी 1 लीटर की 230 रुपये है। सहमत है मेरी बात से आप, सर होना पड़ेगा क्योंकि सस्ता यही है, क्योंकि मैंने दुकान पे जाके डायरेक्ट खरीदा है और इसके ऊपर प्रिंट किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर जो प्रोडक्ट आप दिखा रहे हो ये प्रोडक्ट तो एक ही है बट इसकी क्वालिटी अलग अलग होगी और जब क्वालिटी अलग अलग होती है तो फिर रेट बदल जाता है। सही बात है ना, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन सर आप सोचिए कि क्वालिटी भी सेम है। इस सारे प्रोडक्ट्स की, चारों प्रोडक्ट की जो मैंने आपको दिखाए हैं इनकी क्वालिटी सेम है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोलता है इसके ऊपर जो न्यूट्रिशन फैक्ट का पेपर चिपका है ये बोलता है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपके ऑयल में न्यूट्रिशन फैक्ट क्या हैं, कितने हैं, ये सेम है, ये इसके ऊपर भी सेम है और ये इसके ऊपर भी सेम है और सर लाइसेंस भी है इनके पास। जो लाइसेंस इनके पास है वही लाइसेंस इनके पास भी है, सेम है। अब आप बताइए रेट में अंतर क्यों है। और एक बड़ी बात बता दूं आपको,
आप बोलेंगे कि ये किसी अच्छे प्लांट में बना था और ये किसी दूसरे बेकार प्लांट में बना था। नहीं सर, एक और सच्चाई जान लीजिए कि ये भी उसी फैक्ट्री ने बनाया, एपी ऑर्गेनिक। इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है और पैकिंग करती है, और इस प्रोडक्ट को भी एपी ऑर्गेनिक मैन्युफैक्चरिंग करती है और एपी ऑर्गेनिक ही इसकी पैकिंग करती है। सभी एक ही प्लांट में बनते हैं दोनों, चारों प्रोडक्ट एक ही प्लांट में बनाए गए हैं। चारों प्रोडक्ट के ऊपर न्यूट्रिशन फैक्ट सेम है, लेकिन मार्केटिंग कंपनियां अलग अलग होने की वजह से इनके रेट अलग अलग हैं। और आपको एक बात और बता दूं साहब, ये छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये 2-4 रुपए का डिफरेंस नहीं है साहब, ये 63% का डिफरेंस है। इस 1 लीटर की कीमत से ये 1 लीटर का प्रोडक्ट 63% महंगा है, ये सच्चाई है। आप खरीद लीजिएगा। अब मैं नाम क्लियर कर रहा हूं, ये RCM का प्रोडक्ट है, ये भी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं साहब, ये भी अपनी कीमत में से 60% या 70% पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये भी दावा भरते हैं कि इनके लोग जब ये प्रोडक्ट को बेचते हैं तो कारें खरीदते हैं, इनका भी वही दावा है। और मोदी केयर का है दूसरा प्रोडक्ट, ये भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मैंने ट्रेडिशनल मार्केट से प्रोडक्ट को नहीं उठाया है, ये भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ये भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को 60-70% डिस्ट्रीब्यूट करने का दावा करते हैं साहब, सच्चाई है। इनका भी प्लान देख लीजिए एक बार। मैं किसी भी कंपनी की वकालत नहीं करता, मैं किसी भी कंपनी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं सच्चाई को उजागर करता हूं सबूतों के साथ। आप जवाब जरूर दीजिएगा। और ये जो तीसरा प्रोडक्ट है मेरे पास, ये ओके लाइफ केयर का है, और ओके लाइफ केयर भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और ये वेस्टीज का प्रोडक्ट है जिसकी कीमत सबसे ज्यादा है 63%। अब मुझे आप एक बात बताइए कि आप और क्या एक्स्ट्रा देते हैं इसलिए आप ज्यादा पैसा लेते हैं। आपने मार्केट रेट से सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, सेम मैन्युफैक्चरिंग का 63% ज्यादा MRP क्यों रखा है? अब आप स्वयं 1 मिनट के लिए ठहर जाइए और सोचिए और जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों है। पूछिए उन डायरेक्ट सेलरों से जो कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार बिल्कुल आंखें बंद करके जिहादी की तरह करते हैं। मैं जानती हूँ ऐसे झूठे लोगों जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, वो ना जाने क्या क्या तरीके निकालेंगे इसका जवाब देने के लिए। कुछ लोग तो मुझे ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे, कोई मुझे किसी कंपनी का एजेंट बताएगा तो कोई मुझे गालियां देगा, कोई मेरे तर्क को कुतर्क करेगा तो कोई मेरी बातों से सहमत होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा करके भी आप सच्चाई को दबा नहीं सकते। मेरा काम सच्चाई को उजागर करना और झूठ से पर्दा हटाना है। आप क्या सोचते और बोलते हैं वह आपका काम है, मैं इसकी परवाह नहीं करती। मैं एक बार फिर आपसे सवाल करती हूँ कि समान गुणवत्ता, समान निर्माता के प्रोडक्ट की कीमत में इतना अंतर क्यों है? अगर इसका जवाब आपके पास नहीं है तो अपने सीनियर से पूछिए, हो सके तो इसका जवाब दीजिए। एक बार बोलने की हिम्मत तो करो। अगर सच सामने आए तो लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। ऐसी ही तथाकथित कंपनियों, ग्राहक और अपने ही डायरेक्ट सेलरों को बेवकूफ बना रही हैं। और कमाल की बात देखिए कि इनका दिमाग ऐसा सेट कर दिया जाता है कि यह लोग मानने को तैयार नहीं होते, ना जाने क्या क्या तर्क इनके पक्ष में देने लगते हैं। मेरा साफ और स्पष्ट यही कहना है कि आपकी जिंदगी है, एक बार सच जानने की हिम्मत तो करो। दोस्तों, आपको चाहिए कि ऐसी गलत कंपनियों के झांसे में आने से बचें। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी ही चाहिए,
तभी वह डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कही जाएगी। आपको पता करना चाहिए जिस कंपनी के साथ आपका जीवन जुड़ने वाला है वह खुद निर्माता है भी कि नहीं। डायरेक्ट सेलिंग व्यापार आपके लिए कोई स्कीम नहीं है, ये कोई गेम नहीं है, ये रातों रात अमीर बनाने वाला कोई जादुई फॉर्मूला भी नहीं है, ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये एक शुद्ध व्यापार है। ये अपने जीवन मूल्यों पर आधारित बेहतरीन जिंदगी जीने का एहसास है। ये आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने तथा सच्चे दोस्त बनाने का सरल रास्ता है जो आपके जीवन की दिशा व दशा बदल सकता है। मैंने स्वयं सोशल मीडिया पर देखा है कि कंपनी के ही तथा कथित हितेशी एजेंट फर्जी वीडियो, फर्जी कंपनी के फोटो एडिट कर करके कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोडक्ट और कंपनी का झूठा प्रचार करने में जुटे हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के अनुसार भी ऐसी भी सभी गलत हरकतों की जिम्मेदारी भी उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बनती है जिसका झूठा प्रचार किया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो आपकी कंपनी की प्रेम भक्ति आपकी ही कंपनी को भारी पड़े। वेस्टीज ने पहले ही इसका खामियाजा भुगत लिया है। वह ऐसी हरकतों के कारण ही डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से बाहर कर दी गई है। आप अपने भविष्य का दाव किसी कंपनी के साथ लगा रहे हैं तो उस कंपनी की सच्चाई जानने के लिए भी थोड़ा समय लगा लीजिए। कहीं आपके सपनों की आड़ में कोई और ही अपने सपने पूरे कर रहा है। मैंने देखा है आज से 15 साल पहले जो लोग नौकरियां करते थे वे किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के डायरेक्ट सेलर बने लेकिन कामयाब नहीं हुए तो अपने ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बना ली। लोगों को सपने दिखाए और अपनी तो चल पड़ी, एक बार फिर सोचने की हिम्मत तो करो। आज उनके पास 18-19 कंपनियों का मालिकाना हक है, उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, उनके सपने पूरे हुए हैं। अब वो बाइक राइडिंग पर जाएं या हेलीकॉप्टर उड़ाएं, महलों में रहें या महंगी कार चलाएं, उन्होंने सोचने की हिम्मत तो की। आप भी कीजिए, लेकिन बस एक बार अच्छी डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव करने की हिम्मत तो कीजिए। और याद रखिए, उनके सपनों की इमारत आपके सपनों की नींव लगाकर बनी है। आपके सपने, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी कहीं तथाकथित बिकाऊ लीडरों और कंपनी के मालिकों के सपनों की संजीवनी ना बन जाए। इसलिए दोस्तों, जांच करो, परखो, कहीं कोई आपके साथ धोखा तो नहीं कर रहा। कंपनी की औकात देखो, कंपनी के मालिक का बैकग्राउंड देखो, आपकी जिंदगी का सवाल है। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बेवकूफ बनाने वालों की बाढ़ आई हुई है, सावधान हो जाओ इन चोरों से। सही डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव ही आपकी सफलता के रास्ते खोलता है। तभी कामयाब होगे जब आप सही डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव करोगे। आपको थोड़ा वक्त कंपनी के बारे में जानने के लिए लगाना चाहिए। जो कंपनी प्रोडक्ट की खुद निर्माता है उसके साथ आपको व्यवसाय करना चाहिए। दोस्तों, इन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों द्वारा एक और भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाती है। अधिकतर डायरेक्ट सेलिंग कही जाने वाली कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरर होने का दावा करती हैं और अपने डायरेक्ट सेलर को हिमाचल के बद्दी जैसी जगह पर अपनी फैक्ट्री बताती हैं। कुछ कंपनियों के मालिक की दूसरी कोई कंपनी हो भी सकती है जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हो, लेकिन आप जिस कंपनी के नाम से डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय से जुड़ने जा रहे हैं क्या वही कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है या नहीं, ये होना अनिवार्य होता है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के डायरेक्टर की कोई अन्य कंपनी के होने या ना होने से आपका कोई तात्पर्य नहीं है। किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के डायरेक्टर की अन्य कंपनी होना भी वैसे ही है जैसे किसी अन्य मैन्युफैक्चरिंग का होना है। एक और बड़ा सवाल जिस पर मैं चर्चा करना चाहती हूँ, किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के मालिक या डायरेक्टर खुद अन्य व्यापारों या कंपनियों में सहभागीदार होते हैं, अलग अलग नाम से अनेकों कंपनियां बनाते हैं, सभी कंपनियों से अलग अलग अपने मन माफिक ढेर सारी सैलरी के नाम पर पैसा निकालते हैं, फिर उसी पैसे को अन्य कंपनियों में लगाते हैं
और एक सुरक्षित निवेश करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। वहीं आपको और हमको यानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के एजेंट कहे या डायरेक्ट सेलर को एक ही कंपनी में काम करके पीढ़ियों तक सुरक्षा देने की बड़ी बड़ी बात करते हैं। जिस कंपनी में उनका खुद का भरोसा नहीं, जो स्वयं न जाने कितनी कंपनियों के मालिक बन बैठे हैं, वे किस आधार पर ये कहने का हक रखते हैं कि इस कंपनी में हमारा भविष्य सुरक्षित है। इसलिए मेरा एक बड़ा सवाल है और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ आप जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, उसके मालिक को अलग अलग नाम से कंपनियां खोलने की क्या ज़रूरत है? क्या वही कंपनी अपनी नेटवर्थ बढ़ाकर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती? दोस्तों, क्या ये आपके और आपके भविष्य के लिए किया गया धोखा नहीं है? क्या आपको ऐसे कृत्यों में शक पैदा नहीं होता? क्या आपको ऐसे कंपनी के डायरेक्टर या मालिकों की नियति में खोट नज़र नहीं आती? या कहीं आप कंपनी के भक्ति लीन में होकर सच से दूर तो नहीं जा रहे? एक बार गूगल बाबा की मदद तो लीजिए और ऐसे लोगों की हिस्ट्री सर्च कीजिए। जब से ऐसे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां खोली हैं, इनकी नेटवर्थ में कितना इजाफा हुआ है, कितनी कंपनियों के ये लोग मालिक बने बैठे हैं और दावा तो ऐसे करते हैं कि भारत के भविष्य के यही निर्माता हैं और आपके सपने केवल और केवल यही पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार इनकी हिस्ट्री सर्च करने की हिम्मत तो करो। मेरा दावा है आपके सामने सच आ जाएगा। आपको अपने उज्जवल भविष्य के लिए इतनी पड़ताल तो करनी ही चाहिए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट व बिजनेस प्लान के बारे में, वास्तविक लीडरशिप तथा इनकम के दावों के बारे में, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, प्रोडक्ट्स की कीमत पर चर्चा करेंगे, झूठे और लुभावने बिजनेस प्लान की पोल और सबूतों के साथ खोलेंगे। समय की प्रतिबद्धता के साथ अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ। एक बार फिर हम मिलेंगे डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर हो रही लूट के खुलासे के तीसरे एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए हुंकार 24/7। धन्यवाद।